ताहिराबाद में मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन की सालाना तकारीब मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन पिछले 5 सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस एसोसिएशन के तहत गरीब अफराद में मुफ्त दवाओं की तकसीम और दीगर फलाही कामों को अंजाम दिया जाता है। मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारों के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। 2011 को जो मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन का हमने खाद शुरू किया था, एक सोच से कि मुसलमानों में एकता लाएं, यूनिटी लाएं और सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज जब इस स्टेज पर देखें तो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग एक साथ बैठे हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मसलक से जुड़े हुए लोग एक जगह बैठे हैं। ये अल्लाह ताला की जात का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। लेकिन इतना सोच कर खुश होकर खामोश बैठना नहीं है, काम करते चलना है। तो जिस तरीके से उमर अहमद साहब ने अपने तकरीर के दौरान बताया कि मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन की कारकर्दगी काबिले सताइश है, तो ये आपका बड़प्पन है। और रही बात फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो मैं तमाम लोगों को फिर एक बार याद दिला दूं कि एमडीए जब से शुरुआत से एक ही अपने मकसद पर अटल रही है कि मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन कभी एक रुपया चंदा किसी से नहीं ले, एक रुपया चंदा किसी से नहीं ले। एमडीए के जो जिम्मेदारान हैं, एमडीए की जो कमेटी है, वो अपने जाती खर्चे मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन को चला रहे। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।